मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपने कोई FIR दर्ज कराई है थाने में, और थाने में FIR दर्ज कराने बाद जांच के बाद पुलिस को लगा कि मतलब जो है आपने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो झूठा है, लेकिन आपको लगता है कि मुकदमा सही है, पुलिस ने जांच सही नहीं की या और कुछ भी कारण रहे हो, तो उसके लिए आपको, अगर आपको लगता है कि जांच सही नहीं हुई है, दोबारा जांच कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको न्यायालय में आपके वकील साहब के ज़रिए पेश होकर के आपको प्रोटेस्ट पेश करनी होती है। तो जो प्रोटेस्ट का जो प्रार्थना पत्र होता है वो 190B के तहत, IPC के तहत, जो IPC 190B के तहत आप प्रोटेस्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हो। वो जो इसका फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले प्रकरण आपको FIR नंबर और FR नंबर, जो FR फाइनल रिपोर्ट जो पेश करती है जांच एजेंसी माननीय कोर्ट में, तो एक FIR के साथ साथ में FR नंबर भी पेश करती है, और को संबंधित थाने कौन सा थाना है उस थाने का नाम, FR नंबर जो पेश माननीय कोर्ट में पेश की, और FIR नंबर उसका नंबर, वो सारी डिटेल भर के आपको वापस जो है कोर्ट में पेश हो करके माननीय जज साहब को आपको कहना पड़ेगा कि जनाब पुलिस ने जांच सही नहीं की है, मेरा मैंने जो दावा लगाया वो एकदम सच्चा है, वापस जांच कराई जाए। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, वो आपको अपने स्वविवेक से भी काम में लेना है, और ये 190B IPC के तहत आप प्रोटेस्ट का आवेदन पत्र पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आवेदन का प्रारूप है FIR नंबर, यहाँ पे भरना है आपको FR नंबर थाने से जारी होती है माननीय कोर्ट के लिए, और कौन से थाने से हैं, और मुकदमे का FIR नंबर जो भी है। फिर यहाँ पे भरना है प्रार्थी का नाम जो प्रोटेस्ट पेश करने जा रहा है, माननीय वकील साहब के जरिए या अधिवक्ता के जरिए भी आप पेश कर सकते हो, पिता का नाम, जाति, निवासी, और कौन से संबंधित थाने से हैं, और कौन ये जो प्रकरण है कौन से थाने में चल रहा है, बाकी चार लाइनें आपकी जो तकलीफ है वो आपको यहाँ पे फीडअप करना है, और एक फॉर्मेट बना के प्रार्थना पत्र बना करके माननीय कोर्ट में पेश करना है। यहाँ पे हस्ताक्षर प्रार्थी आप कर सक आपको करना पड़ेगा हस्ताक्षर प्रार्थी, और दिनांक और स्थान कब आपको आपने पेश करना है, आपकी जो वास्तविकता है यहाँ पे लिख करके माननीय जज साहब को पेश कर दोगे, तो जज साहब वापस सोच विचार करके विशेष रूप से और वापस आपकी जो जाँच आई उसको वापस जाँच के लिए प्रसंज्ञान ले सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।